الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم मुद्रा बुजुर्ग और अजीज साथियों, सूरतुश्शूरा की तफसीर हमारे दरमियान चल रही है और ये जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है ये सूरतुश्शूरा की चौथे रुकू की पहली आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, जो लोग आखिरत के खेती के तालिब होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी खेती में इजाफा करते हैं और जो दुनिया की खेती के तालिब होते हैं अल्लाह तबारक व तआला दुनिया तो उनको दे देते हैं लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ भी हिस्सा नहीं। फरमाया मन कान युरीद हर्थल आखिरत, हर्स कहते हैं खेती, आखिरत की खेती से मुराद आखिरत की फिक्र, आखिरत के आमाल की फिक्र, जन्नत को हासिल करने की फिक्र। तो जिसके अंदर आखिरत का खौफ और आखिरत की तैयारी की फिक्र है, नजिद लहू फी हर्थी, हम उसकी खेती में इजाफा कर दें। वमन काना युरीद हर्थ दुनिया, और जो दुनिया की खेती का तालिब होता है उसका मकसद, उसकी फिक्र, उसकी सोच बस दुनिया ही दुनिया है, आखिरत का कोई फिक्र नहीं, आखिरत के लिए कोई गम नहीं है, बस दुनिया ही उसके लिए सब कुछ है। नुक्ति ही मिन्हा, हम उसकी मेहनत पर कुछ दुनिया उसको दे देते हैं। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, और ऐसे आदमी के लिए आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने साफ अल्फाज के अंदर ये फरमाया कि अपने अंदर आखिरत की फिक्र करो, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल फेंको। खुलासा, आखिरत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करना और दुनिया की नफरत अपने दिल के अंदर पैदा करना, इसलिए कि दुनिया दारुल फना है और आखिरत दारुल बका है। ये दुनिया फना होने वाली है और आखिरत बाकी रहने वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम्हारी हालत यह है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को बड़ा समझते हो, उसी के लिए सब कुछ समझते हो, ऐसा नहीं। बल तू फिरोद अल हयातद दुनिया बल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली। तो इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फना होने वाली दुनिया पर बाकी रहने वाली दुनिया को तरजीह दो, फना होने वाली दुनिया पर बाकी रहने वाली आखिरत को तरजीह दो, इसलिए कि दुनिया बहरहाल फना होने वाली है। बास मरतबा इंसान का सब कुछ माल दुनिया के अंदर रह जाता है और इंसान फना हो जाता है, और बास मरतबा इंसान दुनिया के अंदर रह जाता है उसका सब कुछ माल फना हो जाता है। तो ये दोनों सूरत है, या तो दुनिया छोड़कर साहिब दुनिया चला जाता है, यानी है तो इंसान तो दुनिया के अंदर है लेकिन उसका माल सब कुछ फना हो जाता है। इसलिए आखिरत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करें और दुनिया की नफरत अपने दिल के अंदर पैदा करें, इसलिए कि फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। हुब्बुद दुनिया रसूकुल्ला खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम खताओं की जड़ है। इसलिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को मार दिया, जब कारून के जमाने के लोग कारून को देखते थे, उसके खजाने को, उसके शानो शौकत को, उसके रंग बिरंगी चीजों को, तो वो लोग यूं कहते थे या नहीं तलना मिस तमाउत कारून, काश हमें भी वो सब कुछ मिलता जो कारून को मिला, वो सल्तनत, वो खजाने, वो हश्म व खुदाम, वो आयश व इशरत की चीजें, ये सब कुछ हमें मिलती। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं,
दुनिया हमारे पास सब कुछ है, अगर किसी को दुनिया की दौलत मिल जाती है हम कहते हैं बड़े नसीब वाले जी। तो वो लोग हारून को देख कर कहते हैं वो तो बड़ा नसीब वाला है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उसके माल के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया तो वो लोग देख कर कहने लगे अच्छा हुआ अल्लाह ने हमें कारून जैसा नहीं बनाया। तो दुनिया का दस्तूर है, लेकिन अफसोस की बात यह है उलमा ने लिखा आज दुनिया के अंदर चाहे आलिम हो चाहे जाहिल, चाहे खास हो चाहे आम, तमाम की तमाम की हालत एक है कि वो दुनिया के दीगर गुनाहों से तो अल्लाह के सामने तौबा करते हैं लेकिन दुनिया की मोहब्बत के लिए अल्लाह के सामने तौबा नहीं करते। हर गुनाह से बचने की दुआ मांगते हैं लेकिन दुनिया की मोहब्बत से बचने की दुआ नहीं मांगते, इसलिए कि हमने दुनिया की मोहब्बत को गुनाह ही नहीं समझा, हमने दुनिया की मोहब्बत को गुनाह नहीं समझा, इसलिए हम दूसरे तमाम गुनाहों से बचने की तौबा करते हैं, अल्लाह से पनाह मांगते हैं लेकिन दुनिया की मोहब्बत से पनाह नहीं मांगते। एक बड़ी अल्लाह वाली गुजरी राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा, वो जब रात को तहज्जुद के लिए उठती तो तहज्जुद में उठकर दो दुआएं खास तौर पर मांगती थी। सबसे पहले हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगती, या अल्लाह रात अंधेरी हो चुकी, सितारे चमक रहे हैं, दुनिया के तमाम मालदारों ने बादशाहों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए और तू तन्हा ऐसा बादशाह है जो अब तेरे दरवाजे खुले हुए हैं और तू लोगों को पुकार रहा है, ऐ खुदा मैं तेरे सामने हाथ फैला रही हूं तू मुझे नवाज। यह मांगती थी। और दूसरी दुआ यह मांगती थी ऐ वो जात जिसने आसमान को जमीन पर गिरने से रोके रखा है, मैं तुझसे मांगती हूं कि दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा करने से रोक। ऐ वो जात जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके रखा है, बस मेरी इल्तिजा यह है कि दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल में पैदा होने से रोक। तो ये राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा ये दुआ मांगा करती थी, इसलिए कि वो लोग दुनिया की हकीकत को जानते थे, समझते थे। किताबों के अंदर लिखा है दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत बस दो लफ्जों के अंदर है। दुनिया का जितना भी माल चाहे वो हलाल तरीके से हमने कमाया, फरमाया दुनिया हलाल हुआ हिसाब, उसके हलाल का हमें हिसाब देना पड़ेगा, जो हमने हलाल कमाया है उसका क्या देना है, हिसाब देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबै यसीरा, ऐ अल्लाह तू मेरे साथ हिसाब के मामले में आसानी मांग। तो इसका जो हलाल है हलाल हुआ हिसाब, इसके हलाल का हिसाब है, वो हराम हुआ वबाल, और जो हमने हराम कमाया है इसका तो मुस्तकिल वबाल। तो इसलिए वो लोग दुनिया से बचते थे, हराम को हराम हलाल को पाने से भी इसलिए बचते थे कि इसका हमें कल कयामत के दिन क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया अब दुनिया दारुल मल्ला दारा लहू, दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में कुछ भी घर नहीं है, दुनिया उसका घर है आज जिसका आखिरत में कुछ भी घर नहीं है, और दुनिया उस शख्स का माल है जिसका आखिरत में कुछ भी माल नहीं है। वलहा यजमाउ मन ला अक्ल लहू, ये दुनिया को वही शख्स जमा करता है जिसके पास अकल नहीं है, जो बेवकूफ होता है वो दुनिया को जमा करने की फिक्र करता है। तो लिहाजा हमें दुनिया की हकीकत को समझना पड़ेगा। किताबों के अंदर वाकया लिखा हुआ है, बाज़ों ने कहा कि शेख अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, बाज़ों ने कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। एक मरतबा अपने शागिर्दों के पास बैठे हुए थे, एक शख्स आकर कहने लगा हजरत आपका जो जहाज साधो सामान के साथ दरिया में सफर कर रहा था वो समंदर के अंदर गर्क हो चुका। हजरत ने अपने दिल की तरफ देखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो शख्स चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आकर कहने लगा हजरत वो जो जहाज डूबा है गर्क हुआ है वो आपका नहीं है किसी दूसरे का है, आपका जहाज साधो सामान के साथ सलामती के साथ किनारे आ चुका है। हजरत ने फिर दिल की तरफ देखा, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो शागिर्द ने पूछा, हजरत अच्छी खबर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह और बुरी खबर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या माजरा? तो हजरत ने कहा, मैं दोनों खबरों पर अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हूं। जब मुझे नुकसान की बात पहुंची तो मैंने दिल की तरफ देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के अंदर दुनिया के फना होने का, माल के फना होने का गम नहीं था, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे वापस आकर कहा गया कि तुम्हारा माल वापस आ चुका है तो मैंने अपने दिल की तरफ देखा तो मेरे दिल के अंदर वापस आने की वजह से कोई मोहब्बत और खुशी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को खत्म करें और आखिरत की फिक्र को पैदा करें। शरीयत ने हमें दुनिया से मोहब्बत करने से मना नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत को रखा है, लेकिन हमें दुनिया के अंदर ऐसे गुजरना है जैसे कश्ती पानी के अंदर गुजरती है। वो कश्ती हमें दुनिया के अंदर से ही गुजरना है जैसे कश्ती पानी के अंदर गुजरती है, लेकिन पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो वो कश्ती गर्क हो जाती है। पानी के बगैर कश्ती का वजूद ही नहीं है, पानी के बगैर कश्ती कहाँ चलेगी? तो हम दुनिया के बगैर कहाँ चलेंगे? दुनिया तो होना ही है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाती है जैसे पानी के दाखिल होने से वो कश्ती गर्क हो जाती है, तो इंसान भी दुनिया की मोहब्बत की वजह से वो सारा फना हो जाता है, गर्क हो जाता है। तो हमें दुनिया की मोहब्बत से मना नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله। तुम्हारे बाप दादा की मोहब्बत, तुम्हारे औलाद की मोहब्बत, तुम्हारे बीवियों की मोहब्बत, तुम्हारे घरों की मोहब्बत, तुम्हारे तिजारतों की मोहब्बत, हर एक की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर तो होना चाहिए, लेकिन अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलि, जब ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है तब हमारे लिए वबा। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जाने से रुकावट बन जाती है तो तब ये दुनिया की मोहब्बत हमारे लिए नुकसान दे। आज हमारा मामला वही, हम अपने कारोबार के अंदर है, काम काज के अंदर है, खेती बाड़ी के अंदर है, अपने बिजनेस के अंदर है, अजान की आवाज हमें सुनाई देती है, हम अजान की आवाज सुनकर मस्जिद को नहीं आते, तो हम ये गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह की अजान की दीन की कोई वक़्त नहीं है, अगर वक़्त है अहमियत है तो दुनिया की अहमियत है, तो ये हमें नुकसान दे। अहब इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलि, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा हो जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरे की चीज है। उलमा ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल को से कैसे पाक किया जाए। हम इंसान हैं, हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, अब अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से कैसे पाक किया जाए, उसकी एक मिसाल कुरान के आयत के जरिए से दी गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को खत लिखा, मलिका सबा, और कहा कि अगर तुम ईमान नहीं लाओ तो हम लश्कर लेकर तुम्हारे पुल पर गुजरेंगे। तो वहां की रानी जो है, जो बिल्किस थी, उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया कि इस तरह का खत आया है सुलेमान की तरफ से, हम क्या करें। उन्होंने कहा, देखो जब कोई बादशाह किसी मुल्क के अंदर घुसता है तो पूरे मुल्क को फना कर देता है, पूरे बस्ती को फना कर देता है, और यहाँ के जो इज्जत के लोग हैं उनको जलील कर देते हैं, तो लिहाजा हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो हमें उनके पास वापस चले जाना चाहिए। तो ये कुरान की आयत है, इन्नल मुलूका इदा दखलू क़रियत अफसदूहा वजअलू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला। जब बादशाह किसी क़रिये के अंदर, बस्ती के अंदर आता है तो पूरे बस्ती को गर्क कर देता है, फना कर देता है और वहां के इज्जत वालों को जलील करता है। अब इसकी मिसाल जिसे अल्लाह वाले ने क्या खूब दी है, इस आयत को सामने रख, ये जो हमारा दिल है यूं समझो कि एक बस्ती है, ये हमारा दिल ये क़रिया है, एक बस्ती है। अब इस दिल के अंदर हमें दाखिल करना पड़ेगा एक बादशाह, वो बादशाह अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के जिक्र के जरिए से, जिक्र जारी, जिक्र कल्बी, हर किस्म के जिक्र के जरिए से
अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह की मारिफत को अपने दिल के अंदर ऐसे दाखिल करना है जब वो अल्लाह दिल की दुनिया के अंदर इस बस्ती के अंदर दाखिल होता है, अब सतुहा वो दिल के अंदर इंकलाब पैदा करता है, वो दिल के अंदर इंकलाब पैदा करता है, ये मुर्दा दिल अल्लाह की मोहब्बत से फिर जिंदा हो जाता है, इंकलाब पैदा हो जाता है। वजालू इज्जत अहलिहा अदिल्ला, और हमारे दिल के अंदर जो दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है, दुनिया की अस्मत बैठी हुई है, उस अस्मत को हटाकर दुनिया की जिल्लत को हमारे दिल के अंदर पैदा करें। तो ये मिसाल देकर कहा गया है, तो हमें अल्लाह के जिक्र के जरिए से अपने दिल को पाक और साफ करना। और एक बात जान ले, ये दुनिया और आखिरत ये दोनों आपस में, लोगों ने कहा है बाजों ने कि ये दो आपस में सौगनों की तरह, जैसे दो बीवियां होती, जिन हजरात की दो बीवियां हैं वो जानते हैं कि दो बीवी रखने पर क्या मामला होता है, कैसा चैन आदमी का खत्म हो जाता है। एक वाकया किताबों के अंदर लिखा है, दो दोस्त आपस में बड़े गहरे दोस्त थे। एक दोस्त उसने फजर की नमाज को बड़ी पाबंदी से अहतमाम करता था, फजर की नमाज को उससे पहले पाबंदी से आता था, तो दूसरा दोस्त बड़ी कोशिश करता फजर की नमाज को आने नहीं होता। तो उसने उसके दोस्त से ताज्जुब से पूछा, भाई मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ फजर की नमाज को आने नहीं होता, लेकिन तू तो आ जाता है, क्या मसला है? तो उसने कहा कि देखो मुझे भी मुश्किल था, मैंने दूसरी शादी कर, अब दूसरी शादी करने पर फायदा यह हुआ कि दोनों मिलकर मुझे फजर की नमाज को उठा देते। तो इसको समझ में आया, अच्छी अच्छी तरकीब है, क्यों ना मुझे फजर की पाबंदी करना है। तो ये दोस्त भी जाकर जो है दूसरे दिन शादी कर, जब दूसरे दिन शादी हुई है तो दूसरी बीवी को लेकर घर आया है, तो दोनों ने झगड़ा किया आपस में और दोनों बीवियों ने मिलकर उसके बिस्तर को उठाकर घर के बाहर फेंक। अब बेचारा क्या करता, उस बिस्तर को लेकर जब मस्जिद में सोने के लिए आया है तो पहले वाला दोस्त वाकई मस्जिद में सोया हुआ, उसने कहा भी मस्जिद के अंदर कैसे? उसने कहा मेरा भी यही मामला है, जब मुझे दोनों बीवियों ने बाहर डाला है मस्जिद के अंदर आराम कर रहा हूं, और जब से मैंने मस्जिद में सोया है फजर की नमाज मुझे मिल रही। तो ये बाजों ने कहा कि ये दो दुनिया और जो आखिरत है दोनों सौगन है, एक को राजी करो दूसरी नाराज, दूसरे को राजी करो पहली वाली नाराज। तो अगर हम दुनिया को खुश करेंगे आखिरत हमसे नाराज हो जाती, अगर आखिरत को खुश करेंगे तो दुनिया हमसे नाराज हो जाती। अल्लाह के नबी ने उसी बात को समझाया है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दुनिया नाराज हो तो नाराज हो, लेकिन हमें आखिरत को क्या करना चाहिए, खुश करना चाहिए। इसलिए आखिरत हमेशा रहने वाली और बाकी रहने वाली चीज। लेकिन बाजों ने कहा है कि इनका दुनिया और आखिरत का आपस में ताल्लुक दो सौगन की तरह नहीं है बल्कि दो बहनों की तरह है। किसकी तरह? ये भी मसला समझने का, ये आपस में दो सगे बहने हैं और कोई इंसान बैक वक्त दो बहनों से निकाह नहीं कर सकता, वो हराम। दो बहनों से, सगे दो बहनों से निकाह करना शरीयत में जायज है क्या? शरीयत में जायज नहीं। बैक वक्त दोनों को अपने निकाह में रखना, हाँ अगर पहली इंतकाल हो गई तो दूसरी उसकी सगी बहन से निकाह कर सकता है, या वो तलाक लेकर चली गई तो दूसरी से निकाह कर सकता है। बैक वक्त दोनों को अपने निकाह के अंदर रखना ये शरीयत के अंदर हराम है। तो फरमाया दोनों आपस में सगे बहने हैं, इन दोनों को बैक वक्त दिल के अंदर रखना हराम, वो दोनों आ ही नहीं सकते। या तो दुनिया आएगी तो आखिरत जाएगी, और आखिरत आएगी तो दुनिया हाथ से जाएगी। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह समझाया है कि हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हमें दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देना चाहिए। ये दुनिया फना होने वाली बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी का हम हिसाब नहीं लगा सकते, वो कितनी लंबी जिंदगी है, कितनी बड़ी जिंदगी है। वहां आखिरत में जब इंसान आंख खोलता है तो उसके बाद उसे मौत ही नहीं, मौत ही नहीं। तो दुनिया की जिंदगी हम किसी भी तरह उसके मुकाबले में टैली नहीं कर सकते, हिसाब नहीं लगा सकते। हम ये नहीं सकते कह सकते दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में हजार गुना ज्यादा है, नहीं कह सकते, इसलिए कि वो लामहदूद है।
और कोई ये नहीं कह सकता दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले, आखिरत की जिंदगी दुनिया के मुकाबले में करोड़ दर्जे ज्यादा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसलिए कि वो आखिरत हमेशा हमेशा की है और दुनिया एक ना एक दिन अगर हम हिसाब लगाएंगे तो वो फना होने वाली दुनिया है। तो इसके लिए फना होने वाली दुनिया की खेती की फिक्र नहीं करो बल्कि आखिरत की खेती की फिक्र। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा मकौला कहते थे कि देखो दुनिया हमसे मुंह फेर कर पीठ दिखाकर जा रही है, जैसे जैसे हमारे दिन गुजर रहे हैं हम दुनिया से दूर हो रहे हैं। दुनिया से क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। तो रोजाना दुनिया हमसे पीठ फेर कर दूर हो रहे हैं और आखिरत रोजाना हमारे से करीब हो रही है। जैसे जैसे हम दुनिया से दूर हो रहे हैं आखिरत के करीब हो रहे हैं। और फरमाया हजरत अली ने कि दुनिया के भी औलाद है आखिरत के भी औलाद है, दुनिया की भी औलाद है आखिरत की भी औलाद है। और आगे यूं फरमाया है मुसलमानों ईमान वालों तुम दुनिया के औलाद ना बनो बल्कि तुम आखिरत के औलाद। लिहाजा ये सबसे पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत गहरा मज़मून इसके अंदर जिक्र फरमाया कि दुनिया की खेती का जो तालिब होता है हम उसको थोड़ी सी दुनिया दे देते हैं लेकिन आखिरत की खेती का तालिब जो होता है हम उसको खेती में इजाफा करेंगे, दुनिया की खेती के तालिब वाले को आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं। वमन अरादा अलआखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन, फरमाया जो इंसान आखिरत का इरादा करता है और आखिरत के लिए अपनी कोशिश करता है हकीकत में वही मोमिन है। सूरह बनी इसराइल की आयत है गालिबन मन काना मन अरादा अलआखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन फौलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, और जो आखिरत के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करता है फिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस फिक्र की उस कोशिश के बड़े कदरदान है और उसको ईमानदार होने की गवाही अल्लाह तबारक व तआला ने दी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मज़मून काफ़ी बड़ा है इसलिए आज इस एक ही आयत पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हकीकत के अंदर दुनिया से नफरत करने की तौफीक अता फरमाए और हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर आखिरत की मोहब्बत पैदा फरमाए और आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।